कलेक्टर ने घाट स्थापना। कोरोना काल के 2 साल बाद पूर्व की भांति इस साल भी विख्यात पालीनगर में आज से नवरात्र प्रारंभ। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पालीनगर में स्थित 10वीं शताब्दी की प्राचीन कलचूरी कालीन माता विरासनी की प्रतिमा पालीनगर के बीचों बीच विराजमान है। आज 2 अप्रैल से प्रारंभ हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो गया। नवरात्र के पहले दिन माता विरासनी मंदिर के संरक्षक जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव सह परिवार सहित माता विरासनी देवी मंदिर पाली में घट की स्थापना की। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना विधि विधान से की गई। बिरसिंहपुर पाली में बिराजी आदि शक्ति माता विरासनी मंदिर में नवरात्र पर्व की बैठकी मनाई गई, जिसमें जिला कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने गर्भगृह में माता रानी की विधि विधान के साथ पूजा आराधना कर घट स्थापना किया, दीप प्रज्वलन कर आजीवन ज्योति कलश की स्थापना की। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना काल के 2 साल के बाद अब पहले जैसे परंपरागत तरीके से मंदिर में 9 दिन तक आयोजन होते थे, उस तरह इस साल से आयोजन किया जाएगा। साथ ही जो यहाँ की मुख्य विशेषता जो कि समूचे भारतवर्ष में प्रसिद्ध जवारा जुलूल चल समारोह है, वो भी पूर्व की तरह इस साल संचालित किया जाएगा। हम आपको बता दें, चैत्र नवरात्र में पाली नगर में माता बिरासनी के दर्शन हेतु लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं देश विदेश दूर दूर शहरों से आते हैं, जिनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए श्रद्धालुओं के किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त इंतजाम किए गए। शहर के मुख्य मार्गों में सीसीटीवी वी कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़ी सावधानी बरती जा रही है। देखिए, रामनवमी की तैयारी हमारी 15-20 दिन पहले शुरू हो जाती है, जिसमें मंदिर की पूरी साफ सफाई, रोलिंग, कलश, जवारे, खाद और मंदिर की कलश की रखा रखाव, यदि बीज, खाद, ये सब की व्यवस्था की जाती है, जो पहले से कर दी गई है। आज रामनवमी का प्रतिपदा आज बैठकी है, जो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आज सुबह घट स्थापना हुई, और स्थापना होने के बाद आम जनता के लिए कलश बोवाने के लिए छोटे कलश, सादे कलश, यदि सब काम कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। जो गत वर्ष के भांत जो भी कोरोना काल के समय जो बंद था 2 साल से, लेकिन अभी साल जो भी कार्यक्रम होंगे पूर्णतः जैसे पहले होता था, पूर्णतः सभी कार्यक्रम होंगे। जैसे मुंडन है, कलश है, जवारे हैं, बरुआ है, कथा है सत्यनारायण का, देवी जी का श्रृंगार जो है, रोट अठमाइन, जितने भी काली खपर, जलूस, चल समारोह, ये सभी कार्यक्रम मंदिर में होंगे। शहरों के दौरान हमने देखा था कि जो नवरात्रि उत्सव है वो पारंपरिक हर्षोल्लास से नहीं मनाया जा सका था, कई प्रतिबंध लगे हुए थे। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से कोरोना पूर्णतः काबू में है और समस्त प्रतिबंध शिथिल कर दिए गए हैं, तो पहली बार पूर्व के जैसे भव्य आयोजन हुआ करते थे उस अनुसार इस बार मनाया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि मंदिर का शेड, मंदिर का जो सामने का स्वरूप है, ये सब बिल्कुल अच्छा हो गया है। अभी और कार्य होते रहेंगे, वो विरासनी मंदिर को भव्य बनाना हमारी प्राथमिकता है। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को चैत्र नवरात्रि की और नव संवत्सर आरंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से आशा है, सभी से उम्मीद है कि हर्षोल्लास से और शांतिपूर्वक नवरात्रि का उत्सव मनाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस का इसमें बंदोबस्त किया गया है कि भीड़ ना लगे और सुचारू रूप से ट्रैफिक चलता रहे, लोगों को परेशानी ना हो, और बीच बीच में लोगों से सलाह करके यदि और कोई कदम उठाने होंगे तो वो कदम भी उठाए जाए। खबर भारतवर्ष के लिए उमरिया, पाली उमरिया से रामकृपाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।